कराची समेत पाकिस्तान के तमाम शहरों में, इलाकों में काफ़ी ठंड है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं बर्फ़बारी हो रही है, कहीं धुंध है, काफ़ी ठंड है। ठंड की वजह से कांपें टांग रही हैं। बट डीएचए सिटी की मार्केट में गर्मी है। क्या वजह, क्या क्या रीज़न है? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। और डीएचए सिटी कराची, रहबर तरक्की व कमाल। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ठंड है ठंड, सर्दी बढ़ रही है, कहीं बारिश है, कहीं बर्फबारी हो रही है, और कहीं धुंध है, कहीं खुश्क सर्दी है। लेकिन डीएचए सिटी की मार्केट में गर्मी है। यहाँ पर मुस्तकिल बाइंग हो रही है और बाइंग रुक नहीं रही है। उसकी रीज़न क्या है कि इमोशनल बाइंग भी काफ़ी हो रही है। इमोशनल बाइंग इस तरह कि दोस्त यार, किसी दोस्त ने प्लॉट परचेज किया, किसी साहब ने परचेज़ किया, तो उसके आगे दोस्त ने परचेज़ कर लिया कि उसने बताया कि यार मुझे तो, मैंने नवंबर में प्लॉट परचेज़ किया था, दिसंबर में मुझे अच्छा रेट मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट में गेन कर रहा हूँ, तुम भी परचेज़ कर रहे हो, तो वो भी परचेज़ कर रहा है। देखा देखी भी काफ़ी परचेजिंग हो रही है। इस तरह रिश्तेदारों में, जैसे कि किसी एक फैमिली ने परचेज़ किया, तो उसने कहा चलें जी मैं भी, मेरी दूसरी फैमिली है, मेरे दूसरे दोस्त हैं या मेरे दूसरे रिलेटिव हैं, मैं अपनी बहन के लिए, भाई के लिए, उनको एडवाइस करें, वो भी परचेज़ करें। मार्केट अच्छी चल रही है, प्रॉफिट हैगा डीजे सिटी में, और इस वक्त काफ़ी बेहतर रेट पे, काफ़ी चीप रेट पे प्लॉट मिल रहे हैं। कम दामों में प्लॉट मिल रहे हैं, तो वो भी परचेज़ करें। इमोशनल बाइंग भी काफ़ी हो रही है डीजे सिटी में। एक इन्वेस्टर तो है ही है, इसके अलावा जो आपकी जो जेन्युइन बाइंग है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा है। इन्वेस्टर से ज़्यादा जेन्युइन बाइंग है, क्योंकि तो मैं देख रहा हूँ मुस्तकिल। अभी मैंने दो प्लॉट सेल किए, तो एक पहले दोस्त को दिया था, फिर उसने आगे अपने दोस्त को भी रेफर किया कि यार आप भी ले लो, प्लॉट अच्छा हैगा, प्रोजेक्ट कम है, अभी इस वक्त डीजे सिटी में टाइम है इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पर मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है, तो उसके दोस्त ने ही परचेज़ किया। इस तरह मैं काफ़ी फैमिलीज में मतलब देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो प्लॉट बाय कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को, रिलेटिव को भी ज़्यादा दिलवा रहे हैं। अभी मेरे पास एक दोस्त की कॉल आई यूएई से, तो वो भी परचेज़ कर रहे हैं प्लॉट, उनके किसी ऑलरेडी दोस्त ने परचेज़ किया हुआ था, फिर कैनेडा से, फिर यूरोप कंट्रीज से, फिर इस तरह अलावा डिफरेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी, देखा देखी काफ़ी बाइंग हो रही है डीजे सिटी में, और जेनुइन बाइंग हो रही है। और क्योंकि डीएचए सिटी में काफ़ी चेंजिंग आ रही है, बदल रहा है डीएचए सिटी, वहाँ पे हालात बदल रहे हैं, वहाँ जज्बात बदल रहे हैं, काम हो रहा है डेवलपमेंट का। जब से पूरा डीएचए सिटी का नेटवर्क, पूरा डायरेक्टरेट वहाँ पर शिफ्ट हुआ है, जब से उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं डीएचए सिटी के, जब से काफ़ी बेहतरी डीएचए सिटी की मार्केट में, डेवलपमेंट का काम फास्ट हो गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, काम हो रहा है डेवलपमेंट का। फिजिकली आप जाके देखें, जैसे सेक्टर 14 के अंदर लाइट ऑन हो चुकी है, पानी वहाँ मिल चुका है, वहाँ पर जो घर वहाँ पर हैं बन रहे हैं, और कुछ काफ़ी सारे घर बन भी चुके हैं। और इसके अलावा मलीर एक्सप्रेस में काम तेज़ी से चल रहा है। और इसके अलावा आज जो काठोर तक का जो इंटरचेंज वहाँ की ओपनिंग कर दी गई है, शौकत खाना में बड़ी तेज़ी आ रही है डेवलपमेंट में, वहाँ पर बहुत जल्दी इसकी इनोग्रेशन होने वाली, ऑपरेटिंग तकरीबन 10 माह पहले स्टार्ट हो गई थी। तो पॉजिटिव वाइब्स डीचे सिटी के लिए काफ़ी है मार्केट में, देखा देखी भी काफ़ी है मार्केट में ना, मतलब लोग एक दूसरे से देख कर प्लॉट बाय कर रहे हैं, रश है, विजिटर आ रहे हैं, विजिटर का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, ओवरऑल हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई है। तो डीचे सिटी में इस वक्त पॉजिटिव वाइब्स हैं। अभी भी रेट अगर कंपेयर करें बाकी सोसाइटी में, रेट कम है, डीचे सिटी में काफ़ी स्कोप है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त, और काफ़ी मैं कहूँगा, जैसे कि रेट्स की बात करें करता हूँ, तो मैं रेट्स कंपेयर करता हूँ 2022 से, जब मार्केट डाउन हुई थी, तो अलहमदिल्ला 20% 30% कवर हो चुकी है। अभी भी 20% और चांसेस है इंक्रीज़ होने में, जो कि स्टेबल मार्केट पे जब थी, डाउन हुई थी मार्केट, स्टेबल जो मार्केट पे थी, डाउन हुई थी, तो वो 20% और मज़ीद इंक्रीज़ होंगे रेट इसी मंथ में, इंशाल्लाह इसी मंथ में मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे जो 2021-22 का रिकॉर्ड है वो तो टूट जाएगा इसी मंथ में। तो जो 2016-17 का रिकॉर्ड था डीजे सिटी का, जब मार्केट में बहुत बूम था, बहुत प्राइस हाइएस्ट थी, तो वो भी इंशाल्लाह लग रहा है कि इलेक्शन तक वो भी रिकॉर्ड टूट जाएगा, या इलेक्शन के बाद वो भी रिकॉर्ड टूट जाएगा।
और अलहमदिल्ला मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं, मार्केट में बाइंग हो रही है। अगर आपने अभी तक भी प्लॉट बाय नहीं किया तो यही टाइम है, आप प्लॉट बाय कर लें। और जो सेल के लिए वेट कर रहे हैं, अगर वो समझते हैं सेल करना चाहते हैं, उनको प्रॉफिट मिल रहा है इस रेट इन आज के रेटों में, तो बिल्कुल सेल करें और अपने इन्वेस्टमेंट को शफल करें, नहीं तो आप वेट करें, प्राइसेस और इंक्रीज़ होंगी। वैली और बाकी 125 यार्ड में क्या प्लॉट में डिफरेंस है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने ओवरऑल अभी इस वक्त सिचुएशन बताई है मार्केट की। मार्केट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है 125 यार्ड की, सेक्टर 14 के अंदर है, सेक्टर 2 के अंदर 300 यार्ड की रिक्वायरमेंट है, 1000 यार्ड की रिक्वायरमेंट है, कमर्शियल हॉट हुआ है, कमर्शियल की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो मार्केट में पॉजिटिव पाइप्स की वजह से मार्केट में रिक्वायरमेंट बढ़ी है, साथ साथ एयरवे लुकुना का काम बड़ा तेज़ी से जा रही है। आप खुदा रहा आप पर्सनली विजिट किया करें, जब भी कोई प्लॉट बाय करें या बाय करना चाहते हैं तो पर्सनली विजिट भी करें साइट को, अगर आप पाकिस्तान में, नहीं तो आप अभी लोगों से वीडियो देखा करें यूट्यूब पे, वो किस तरह मतलब आपको बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं कि आपने कहाँ परचेज़ करना है, कहाँ नहीं करना, लेकिन परचेजिंग आप अपने बजट के मुताबिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद अहमद। इसके अलावा किसी भी सेल परचेज लेन देन के हवाले से मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 03242992542। अल्लाह हाफिज़।